मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत कार्यपालन यंत्री गजेंद्र कुमार, जो कि वर्तमान में अभी पश्चिम शहर संभाग में पदस्थ हैं, जिन पर पहले भी महिला उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। ऐसे कर्मठ अधिकारी अपनी कार्यशैली को बहुपरिपूर्ण तरीके से निर्वाह कर रही हैं, जिनका सीधा उदाहरण एक कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पर कार्यपालन यंत्री गजेंद्र कुमार द्वारा 15 से 20 साल पुरानी कॉलोनी के एस्टीमेट को रिवाइज न करते हुए पुराने एस्टीमेट को ही प्रस्तावित कर दिया गया। पुराने एस्टीमेट में LT लाइन पर तार का उल्लेख दिया गया था, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार LT लाइन में तार की जगह LT लाइन पर केबल लगाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार अगर कोई कॉलोनीनाइजर अपनी कॉलोनी के स्वीकृत प्रांकलन को 3 साल के अंदर कॉलोनी में नवीन विद्युतीकरण का कार्य नहीं करते हैं, तो 3 साल के बाद उक्त स्वीकृत प्रांकलन को रिवाइज बिजली बिल विभाग से करना पड़ता है। लेकिन कार्यपालन यंत्री गजेंद्र कुमार द्वारा एस्टीमेट को रिवाइज न करते हुए पुराने एस्टीमेट के देखते हुए कॉलोनी को चार्ज कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित ठेकेदार व कॉलोनीनाइजर को सीधा फायदा पहुंचाया गया और शायद इस फायदे में गजेंद्र कुमार का भी फायदा हुआ होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को मध्य प्रदेश राजपत्र में कई बड़े नियम उल्लेखित हुए हैं। लगता है इस नियम को देखकर कार्यपालन यंत्री द्वारा कॉलोनी में LT लाइन की केबल न लगाकर कंडक्टर तार लगा दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालन यंत्री गजेंद्र कुमार पर मंत्री की खूब मेहरबानी बरस रही है, इसी कारण कई बार विवादों में घिरे होने के कारण कुमार बचकर निकल जाते हैं। अब देखना यह है कि आगे उच्च अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है।